Hello, students. Uh, today, in this video, we will see factors and multiples. So, this is one topic in class 6 playing with numbers. In this topic, we have to make our study about factors and multiples. So, let us see one by one. to whom we call factor and uh, what is uh, multiple. Actually, factor is a number which divides other number exactly. जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, तो जो डिवाइड करता है उस नंबर को फैक्टर कहा जाएगा दिए हुए नंबर का उदाहरण लेंगे जैसे टू फोर को पूरी तरह डिवाइड कर देता है तो टू कहलाएगा फोर का फैक्टर अब यदि हम लोग ये देखें कि फैक्टर टू का कौन कौन हो सकता है तो स्पष्ट है कि टू को कौन कौन डिवाइड कर सकता है तो दो ही नंबर है जो टू को पूरी तरह डिवाइड करता है वन और टू सो वी से फैक्टर्स ऑफ टू आर वन एंड टू उसी तरह हम लोग देखें फैक्टर फोर का कौन कौन हो सकता है तो हमें देखना पड़ेगा कि फोर को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है तो स्पष्ट है जब आप सोचोगे तो आंसर आएगा वन डिवाइड करता है फोर को टू डिवाइड करता है और फोर डिवाइड करता है इसका मतलब फैक्टर फोर का कौन कौन हुआ वन टू और फोर इसी तरह हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टर्स कौन कौन होगा ये निकाल सकते हैं जैसे फैक्टर ऑफ सिक्सटीन तो होंगे वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन फैक्टर ऑफ फिफ्टीन होंगे वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन इसका मतलब फैक्टर कौन हुआ तो जो नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते अब हम लोग देखें मल्टीपल किसको कहेंगे तो मल्टीपल कहते हैं उस नंबर को जो दूसरे नंबर के द्वारा डिवाइड हो जाए ए नंबर विच इज डिवाइडेड बाई अदर नंबर एक्जैक्टली वो नंबर जो डिवाइड हो जाता है दूसरे नंबर के द्वारा उसे मल्टीपल कहते हैं जैसे सिक्स डिवाइड हो जाता है वन से टू से थ्री से और सिक्स से तो इसका मतलब सिक्स मल्टीपल है वन का भी टू का भी थ्री का भी और सिक्स का भी उसी तरह फिफ्टीन का मल्टीपल यदि हम लोग निकालेंगे तो फिफ्टीन को देखना पड़ेगा कि कौन कौन नंबर डिवाइड कर देता है तो फिफ्टीन मल्टीपल कहलाएगा वो सारे नंबर का तो फिफ्टीन को डिवाइड करता है वन टू सॉरी थ्री टू नहीं थ्री वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन तो ये सभी नंबरों के लिए फिफ्टीन मल्टीपल कहलाएगा उसी तरह ट्वेंटी मल्टीपल कहलाएगा वन का टू का फोर का फाइव का टेन का, का और ट्वेंटी का यानी हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज़ सीखा एक जो दूसरे को डिवाइड कर दे वो फैक्टर है और वो नंबर जो खुद डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल है अब इसी आधार पर हम लोग देखेंगे कि एच और एल क्या होता है तो एक एक करके देखें एच है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अर्थ यदि हम लोग लगाएं तो अर्थ हो रहा है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसका मतलब फैक्टर से संबंधित बात है यानी दो नंबर हमें दिए रहेंगे या दो से अधिक भी तीन चार तो उसमें हमको सबके फैक्टर निकालने होंगे और ये देखने होंगे कि सबों में कॉमन फैक्टर क्या है वो सब कॉमन फैक्टर लिख लेंगे और फिर तब ये देखेंगे कि इन तमाम कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है वही कहलाएगा एच सी एफ़ यानी एच सी एफ़ वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दो या दो से अधिक नंबर जो दिए हैं उस सबों को वो डिवाइड कर देता है सो इट इज डिफाइंड एज लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स एक उदाहरण लेंगे हम लोग तो समझ में आएगी बात जैसे हमको क्वेश्चन है फाइंड एच सी एफ ऑफ ट्वेल्व एंड ट्वेंटी ट्वेल्व और ट्वेंटी का एच सी एफ निकालें तो आप देख लीजिए अभी कि एच सी एफ मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब हमें दोनों के पहले सभी फैक्टर लिखने होंगे तो आपने ऊपर सीखा है ट्वेल्व के फैक्टर होंगे वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा सिक्स एंड ट्वेल्व उसी तरह फैक्टर ऑफ ट्वेंटी होंगे फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी कौन कौन होंगे वन कोमा टू कोमा फोर कोमा फाइव कोमा टेन कोमा ट्वेंटी अब दोनों फैक्टर आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर अब देख रहे हैं अब इसमें से हम लोग कॉमन फैक्टर छाँट लेते हैं तो कॉमन फैक्टर कौन कौन हुआ वन है दोनों में देखिए टू है दोनों में और फोर है दोनों में बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन नहीं है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर तो कॉमन फैक्टर कौन कौन हो गए वन टू और फोर इसमें तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है फोर है इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ट्वेल्व और ट्वेंटी का कौन होगा फोर होगा इस तरह से हम लोग एच दो दिए हुए नंबर का या दो से अधिक दिए हुए नंबर का निकाल सकते हैं यह एच निकालने की विधि फैक्टर मेथड कहलाएगा क्योंकि इसमें हम लोग फैक्टर निकाल के फिर कॉमन फैक्टर निकालते हैं और फिर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेते हैं इसी तरह दूसरा है एलसीएम जिसका पूरा नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स तो नाम में ही अर्थ छिपा है कि ये मल्टीपल है उसमें कॉमन मल्टीपल है यानी जो दो नंबर दिए रहेंगे या दो से अधिक नंबर दिए रहेंगे उनके हम लोग पहले मल्टीपल निकालेंगे फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल और कॉमन में चुकी यहाँ सब नहीं लिखने की ज़रूरत है लोवेस्ट लेना है यानी सबसे पहला जो मिल जाएगा दोनों में मल्टीपल कॉमन मल्टीपल तो सबसे पहला वाला वही छोटा होगा तो वही आंसर हो जाएगा एक उदाहरण हम लोग लें जैसे यहाँ क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ ट्वेल्व एंड एट तो हम लोग क्या करेंगे ट्वेल्व का पहले मल्टीपल्स लिख लेंगे कुछ तो जैसे मैंने लिखा ट्वेल्व के मल्टीपल्स हुए ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट ट्वेल्व का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो तो कुछ हम लोगों ने लिख लिया इसी तरह हम लोगों ने मल्टीपल्स ऑफ एट लिख लिया मल्टीपल्स ऑफ एट तो वो क्या क्या होंगे एट एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू डॉट डॉट अब चूंकि हमको इसमें से कॉमन और लोवेस्ट लेना है यानी सबसे पहला जो कॉमन फैक्ट मल्टिपल होगा तो आप गौर कीजिए सबसे पहला कॉमन मल्टीपल दोनों में है ट्वेंटी फोर इसका मतलब है कि ट्वेंटी फोर दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है तो हमें मिल ही गया लोवेस्ट तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल सी एम ट्वेल्व और एट का ट्वेंटी फोर होगा हाँ यदि तीन चार मल्टीपल लिखने के बाद हमें यदि कॉमन मल्टीपल ना मिलता तो हम लोग फिर दोनों के और मल्टीपल लिखते जब तक कि पहला कॉमन यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए तो जो दोनों में सबसे पहला मल्टीपल कॉमन होगा उसी को एल कहेंगे और इस तरह से एट और ट्वेल्व का एल 24 हुआ यह आंसर हो गया अब रही बात एल को डिफाइन कैसे करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर वो छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए दो या दो से अधिक नंबर सभी के द्वारा डिवाइड हो जाए ऊपर आपने एच को डिफाइन किया कैसे तो वहाँ आपने कहा वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे और यहाँ आप क्या कह रहे हैं वो छोटा से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों के द्वारा डिवाइड हो जाए तो ये याद रखना है कि नाम में ही बड़ा और छोटा झलक रहा है एच में हाईएस्ट मतलब बड़ा नंबर बोलेंगे कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दूसरे दिए हुए सभी नंबर को डिवाइड कर दे और यहाँ क्या होगा स्मॉलेस्ट यानी लोवेस्ट यानी वो लोवेस्ट नंबर जो दिए हुए सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए तो इस तरह से ये डेफिनेशन भी याद रखना है और फैक्टर मेथड से आप इसको प्रैक्टिस करके देखें आप निश्चित रूप से बना पाएंगे ओके स्टूडेंट नाउ अगेन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन इट्स थैंक यू एंड हैव हैवे नाइस डे डोंट फॉरगेट टू शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ओके